वो डेमोक्रेमिनल्स इतने चारों ओर जिंदगी थी इनसे भरी, फिर एक दिन आसमां से एक बुक गिरी और आखिर मुझको मिली डेथ नोट। अब साथ मेरे एल कैसे बचेगा तू मेरे साथ निगामी सब काम लाइट ने नहीं किया क्योंकि लाइट भी तो अब इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है, तो ये काम किसी और का है जिसके पास शिनिगामी की आंखें हैं और वो लोगों का नाम भी देख सकता है। What the fuck? पर ये है कौन और इसका मतलब लाइट के अलावा एक और कीड़ा है? तो एल बोलता है मुझे लगता है एक और कीड़ा है क्योंकि जिस कीड़ा को हम जानते हैं उसे तो शक्ल और नाम दोनों चाहिए और वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मारता है, पर ये नॉर्मल लोग को मार रहा है वो भी सिर्फ शक्ल देख के। तो लाइट ने भी दिया सेम कंक्लूजन, तो अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। आहा, हम भी एक वॉइस नोट भेजते हैं सेकंड कीरा को, पर भेजेगा कौन? लाइट, मुझे लगता है तुझे कीरा बनके सेकंड कीरा को वॉइस नोट भेजना चाहिए बिकॉज तू स्मार्ट है एंड दैट्स व्हाई आई कैन ट्रस्ट यू। पर लाइट को नहीं पता ये है एक टेस्ट ताकि पता चले असली कीरा कौन है और ना हो इनका टाइम वेस्ट। तो लाइट करता है स्क्रिप्ट रेडी। ओह यस डैडी। Anyway, तो अब लाइट AKA कीरा का मैसेज द्वारका सेक्टर 21 में ब्रॉडकास्ट होता है। What is up public? मैं हूँ एनीमे हेंटाई। मैं हूँ असली कीरा। मालूम है ना, जिसने डायरेक्टर जनरल को मारने की धमकी थी वो धोखेबाज कीरा है, क्योंकि आजकल मार्केट में पासवर्ड चोर और धोखेबाज बहुत घूम रहे हैं। तो मैं एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ, ये तुम सब जानते हो, जहाँ सिर्फ अच्छे और भले लोग होंगे, इसलिए मैं सिर्फ क्रिमिनल्स को मारता हूँ। तो ये मैसेज सेकंड कीरा के लिए है कि वो ये किलिंग्स रोक दे। ओके बाय। तो कुछ दिन बाद आता है सेकंड कीरा का रिप्लाई। हेलो कीरा, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं और एक दूसरे की आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं अपने अपने शिनिगामीज दिखा के। कि तभी शिनिगामी सच में होते हैं? अबे एल, ऐसे थोड़ी रोते हैं, शिनिगामी थोड़ी होते हैं। बात कर रहे हैं। तो अब रिवील होता है सेकंड कीरा का फेस, जो एक सुंदर हॉट ग्लैमरस जन्नत जुबेर जैसी है, मिस मीसा अमाने, जिसके पास एक डेथ नोट है और एक भयानक शिनिगामी भी जिसका नाम है रेम। तो ये रेम से बोलती है रेम, शिनिगामीज तो अमर होते हैं ना, तो तुम्हारी एज क्या है? एक्चुअली एक बात बताऊं तो मुझे पता है कि शिनिगामीज अमर नहीं होते। क्या वो भी मर सकते हैं? शिनिगामीज भी मर सकते हैं? क्या तुमने किसी शिनिगामी को मारा है? नहीं, पर मैंने एक शिनिगामी को मरते हुए देखा है। शिनिगामी की दुनिया में शिनिगामी जेलस एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसे दिन भर स्टॉक करता था, क्योंकि शिनिगामी को पता होता है कि कब किसकी मौत होगी। तो एक दिन वो उस लड़की को देख रहा था और वो लड़की रात को अकेले घर जा रही थी कि तभी एक बेवड़े आदमी ने हाथ में रामपुरी लेके उसे प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। तो उस आदमी ने उस पर हमला कर दिया, तो जेलस ने उस लड़की की जान बचा ली, उस आदमी का नाम अपनी डेथ नोट में लिख के और उसे मार दिया, और ये करने के बाद वो भी मर गया, क्योंकि शिनिगामी का काम जान लेने का है, देने का नहीं। तो इसका मतलब उस रात मेरी जान जेलस ने बचाई थी? हाँ। तो रेम, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यहाँ लाइट के रिजाकी लगे पड़े हैं, एल लग गए हैं यार। अब तो जोक समझो, पार्ट वन देख कर आए हो तुम लोग, तो इसे जल्दी पता करना होगा कि सेकंड कीरा कौन है। तभी सेकंड कीरा AKA मीसा माने न्यूज चैनल के पास भेजती है एक डायरी जिसमें कुछ कोडेड पॉइंट्स लिखे हैं मीसा ने कीरा के लिए। 30 तारीख को TLF साइबर हब में हमने एक दूसरे के शिनिगामीज देखे,
तो इसका मतलब ये दोनों कीरा साइबर हब में मिलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने शिनिगामी इसकी बात की थी। पर उसके नीचे वाले नोट में लिखा है, 22 को DLF मॉल ऑफ इंडिया में मैंने मेरे फ्रेंड को नोटबुक दिखाई। ओ, ये नीचे वाला तो सीक्रेट मैसेज है लाइट के लिए, और लाइट ये समझ गया, क्योंकि सब तो शिनिगामी वर्ड पे फोकस कर रहे हैं और डेथ नोट के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। पर एल तो एल है भाई, वो गुड़गांव के साइबर हब और नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया पे CCTV से नजर रखने लग जाता है। यहाँ मीसा रेम से पूछती है, रेम मुझे सबके नाम और बचे हुए साल दिखते हैं, पर मैं कब मरूंगी ये क्यों नहीं दिखता? एक शिनिगामी है डेथ नोट ओनर के बचे हुए साल देख सकता है, पर इंसानों को डेथ नोट उस काबिल नहीं समझती। तो अब एक ही मौका है सेकंड कीरा को पकड़ने का। तो लाइट कहता है, मैं टास्क फोर्स के ऑफिसर मात्सुदा के साथ नोएडा जाता हूँ और बाकी के दो साइबर हब के लिए निकल जाओ, और एल सब पे CCTV से नजर रखेगा। तो एल को है अब और भी शक, तो ये बिना टाइम वेस्ट किए मात्सुदा को कहता है, हे मात्सुदा, व्हाट्सअप, अरे हाँ, लाइट पे थोड़ी नजर रखना, और बात मैंने बोली है, प्लीज किसी को मत पकना। यहाँ लाइट रियुक से पूछता है, रियुक क्या शिनिगामी दूसरे शिनिगामी को देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो क्या तुम मेरी सेकंड कीरा को ढूंढने में हेल्प करोगे? लाइट, शिनिगामी कभी एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करते, इंसान और शिनिगामी में यही फर्क होता है। तो अब लाइट पे है प्रेशर, क्योंकि मात्सुदा के साथ नोएडा इन्वेस्टिगेट करने भी तो जाना है। पर लाइट है स्मार्ट, वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को बुला लेता है ताकि वो सेकंड कीरा को ढूंढ ले और एल को उस पे शक भी ना हो, क्योंकि असली कीरा तो वही है ना। और तो और भीड़ में सेकंड कीरा भी उसे नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि रियुक तो भीड़ के ऊपर उड़ रहा है। पर लाइट की ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि लाइट एक डेथ नोट ओनर है, तो मीसा सबके नाम और बचे हुए साल देख सकती है, पर लाइट का सिर्फ नाम देख पा रही है। तो डिटेक्टेड, पर ये अभी जाके मिल नहीं सकती इतने सारे लोगों के बीच, घर जाके इंस्टाग्राम पे DM करेगी, जैसे कि आजकल के स्टॉकर्स करते हैं यार। पर इसे रिप्लाई नहीं मिला तो इसका एड्रेस निकाल के पहुंच जाती है इसके घर। हाय, मैं लाइट की फ्रेंड हूँ, वो आंटी क्लास वर्क के लिए मैंने उसकी होमवर्क वाली नोटबुक ली थी तो बस वही देने आई थी। तो लाइट देखता है डेथ नोट और समझ जाता है ये सेकंड कीरा है, तो ये इसे अपने कमरे में ले जाता है और मीसा इसे अपनी डेथ नोट देके बोलती है, जैसे कृष्णा की पूजा करती है मीरा, एग्जैक्टली वैसे ही मीसा सिर्फ तुम्हारी है कीरा। क्यों? क्योंकि एक साल पहले किसी चोर ने इसके मॉम डैड का मर्डर कर दिया था और वो कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो गया था, पर कीरा ने उस मर्डरर को मौत की सजा दी। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शिनिगामी की आंखें बन सकती हूँ, और तुम जिसे मारना चाहते हो उसे मार सकते हो। ओह गॉड, ये तो गजब का प्लान है। इससे लाइट को अपनी लाइफ सेक्रिफाइस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो एल को आराम से मार सकता है। बस एक बार मीसा को एल के सामने लाना है, पर मीसा की शर्त है कि उसके बदले में लाइट को मीसा के साथ रिलेशनशिप में आना होगा। What is wrong with this girl? Popular as always. तो लाइट मान जाता है, क्योंकि एल को मारना ही सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, और उसको मारने के बाद ये मीसा को भी मार देगा। पर रेम बोलती है, अगर तुमने मीसा को उसके डेट ऑफ डेथ से पहले मार तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बोलना मत लाइट, हम शिनिगामी सबकी डेट ऑफ डेथ देख सकते हैं। तो मीसा के जाने के बाद इसे पता चलता है कि मीसा अमाने तो जापान की अपकमिंग मॉडल है। वो ओके, यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में सब टेंशन में, क्योंकि एक मौका मिला था सेकंड कीरा को पकड़ने का, वो भी हाथ से निकल गया, कि तभी TV पे न्यूज आती है, ICPO का शुक्रिया, मुझे कीरा मिल गया, अब से वही होगा जो कीरा चाहता है, ओके बाय। तो एल को हुआ शक, क्योंकि खराब चल रहा है ना लाइट का लक, अब कीरा और सेकंड कीरा साथ में ही है तो उसकी जान को खतरा है। तो एल मिस्टर यागामी को कहता है, मिस्टर यागामी, अगर कुछ दिन में मैं मर जाऊँ तो ये समझ जाना लाइट ही कीरा है। तो अगले दिन लाइट कॉलेज में चमड़ी मैटर कर रहा है और उसे एल दिखता है। हे लाइट, और सब चकाचक, यहाँ क्या कर रहे हो? पब्लिक प्लेसेस में हमें मिलना अवॉइड करना चाहिए, तुम्ही ने कहा था ना। चिल लाइट, सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैं एल हूँ, और अगर अगले कुछ दिनों में मैं मर गया तो इसका मतलब तुम ही कीरा हो, और ये बात मैं ऑलरेडी तुम्हारे डैड और पूरी टास्क फोर्स टीम को बता के आ चुका हूँ। एल भी ना एक मौका नहीं छोड़ता लाइट को रंगे हाथ पकड़ने का, कि तभी वहाँ आ जाती है मिस मीसा अमाने। ये कितनी क्यूट है यार। इस सिचुएशन से लाइट हुआ खुश, क्योंकि अब मीसा एल का असली नाम देख लेगी और लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिख देगा जब भी उसका मन करेगा यार। तो जैसे ही मीसा एल का असली नाम देखती है कि तभी मीसा के फैंस वहाँ आ जाते हैं और काफी भीड़ जमा हो जाती है, तो मीसा को भागना होगा जैसे कि आजकल हमारे स्टार्स भागते हैं यार। पर कोई नहीं, लाइट तो मीसा को कॉल करके भी एल का नाम पता कर सकता है। तो ये कॉल करता है मीसा अमाने को। ये फोन की आवाज यहीं से क्यों आ रही है? फोन तो एल के पास है। ओ भाई, एल के हाथ काफी तेज है। पर तभी एल के पास एक और फोन आता है और एल मुड़ के बोलता है,
हे लाइट, तुम्हें याद है हमें सेकंड कीरा ने टेप्स भेजे थे? उसमें हमें एक बाल मिला जिसका डीएनए टेस्ट मिस अमाने से जा मिला। शी इज अंडर अरेस्ट क्योंकि वो सेकंड कीरा है। व्हाट द फक, एल ने मीसा को इतनी जल्दी पकड़ लिया? अभी कुछ सेकंड्स पहले तो एल मरने वाला था यार। ओह शिट, लाइट की एक गलती, उसे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए थे और वो फंस गया। एल ने मुझे पकड़ लिया, इसका मतलब मैं हार गया? नहीं अभी नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता क्योंकि मैं असली कीरा हूं और कीरा है जस्टिस। तो एल ने मीसा को कस्टडी में ले लिया और ऐसे रखा ताकि वो किसी की शक्ल ना देख सके, क्योंकि इन्हें लगता है सेकंड कीरा बस देख के मार सकता है। डेथ नोट के बारे में तो इन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। अब मीसा को कस्टडी में 3 दिन हो गए और मीसा कुछ नहीं बोली, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन एकदम से मीसा बोलने लगी। अब बहुत हुआ, मुझे मार दो। हे मीसा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मार दो, प्लीज मार दो। लेकिन मीसा एल से नहीं, रहम से बात कर रही है। हाँ, मीसा, क्या सच में तुम यही चाहती हो? मैं कह रही हूँ आखिरी बार मार दो। तो अब रहम लाइट के पास जाती है और बोलती है कि मीसा उससे बहुत प्यार करती है और वो मरना चाहती है ताकि लाइट को कुछ ना हो। पर मीसा को बचाने का एक रास्ता है, अगर लाइट मीसा की डेथ नोट की ओनरशिप ले लेगा तो मीसा डेथ नोट से रिलेटेड मेमोरीज भूल जाएगी, पर बाकी सब वैसा का वैसा ही होगा जैसा चल रहा है। तो लाइट मान जाता है। लाइट भी मीसा को लाइक करने लगा है। तो रहम लाइट को डेथ नोट का एक पीस दे देती है जिससे लाइट डेथ नोट का ओनर बन गया और मीसा की डेथ नोट वाली मेमोरीज वैनिश हो गई। और अब लाइट डेथ नोट की ओनरशिप गिव अप कर देता है ताकि मीसा पे किसी को शक ना हो। और रहम बोलती है, उसका ख्याल रखना, अब वही होगा जो तुम चाहते हो, बस उसे मरने मत देना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी लाइट। और रहम वहां से चली जाती है। अब लाइट र्यूक से कहता है, र्यूक, मैं डेथ नोट को जमीन पे दफना रहा हूं, पर मैं इसकी ओनरशिप तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं ये ना बोलूं मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ। Okay. यहाँ मीसा को आया होश क्योंकि अब उसके डेथ नोट की मेमोरीज वैनिश हो गई हैं। बट ये बिहेवियर चेंज देखकर एल कंफ्यूज्ड है क्योंकि अब तक मीसा अमाने जो चुप बैठी थी वो एकदम से तड़पने लगी और ऐसे बिहेव करने लगी कि उसको कुछ पता ही नहीं है, जो कि सच बात है। कि तभी वहाँ लाइट आता है और कहता है, एल मुझे लगता है कि मैं ही कीरा हूँ। क्या, लाइट ने कन्फेस कर दिया? पर क्यों? तो लाइट एक्सेप्ट कर लेता है कि रे पेनबर से वो बस में मिला था, नोएडा भी वही गया था और तो और सेकंड कीरा ने उसे ही कांटेक्ट किया। बट ये सब लाइट को याद नहीं है, शायद ये सब उसने नींद में किया होगा। इसे स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। पर एल स्लीप वॉकिंग को डिनाई कर देता है क्योंकि जब लाइट के घर में कैमरा लगाए थे तब उसका स्लीप पैटर्न एकदम नॉर्मल था। तो लाइट सबको यकीन दिलाने के लिए खुद को सर्वेलेंस में रखने की डिमांड करता है, अगर वही कीरा है तो किसी भी क्रिमिनल की मौत नहीं होगी। तो एल मान जाता है क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन क्या है कीरा को पकड़ने का। पर मिस्टर यागामी भड़क जाते हैं, आखिर बाप है भाई। तो अब लाइट, मीसा और मिस्टर यागामी तीनों टास्क फोर्स की निगरानी में है। अब एक हफ्ता बीत चुका है, एक भी क्रिमिनल की मौत की न्यूज नहीं आई। अब लाइट पे शक धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एल लाइट से कहता है, लाइट अब तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम ही कीरा हो। मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ। मतलब वो टाइम आ गया है, जल्दी मिलते हैं लाइट। ओके बाय। कबूम, लाइट की डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरीज वैनिश हो गई क्योंकि लाइट ने अपनी डेथ नोट की ओनरशिप गिव अप कर दी। अब उसे कुछ याद नहीं है। ये सब देख के एल फिर से कंफ्यूज हो गया है, आखिर क्यों ना हो यार, उसे थोड़ी ना पता है कि ये क्या हो रहा है। अब लाइट वहाँ से बाहर निकलने की डिमांड करता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने कुछ किया ही नहीं है। ऐसा करते करते लाइट को 15 दिन हो गए और फिर एकदम से मात्सुदा भागा भागा आता है और कहता है, पिछले 15 दिन में जितने भी क्रिमिनल्स थे आज एक साथ मर गए, इसका मतलब लाइट कीरा नहीं है। क्या, लाइट और मीसा तो यहाँ है, तो क्रिमिनल्स को कौन मार रहा है? इसका मतलब एक और कीरा है। नहीं, एक्चुअली रेम ने डेथ नोट किसी और को दे दी जो क्रिमिनल्स को मार रहा है ताकि लाइट और मीसा पे से सबका शक हट जाए। लाइट कितना स्मार्ट है यार। पर यहाँ एल को अभी भी शक है कि लाइट ही कीरा है क्योंकि वही इतना स्मार्ट है। तो अब एल मिस्टर यागामी को सब सच बता देता है। तो मिस्टर यागामी लाइट और मीसा को गाड़ी में बिठा के कहीं ले जा रहे हैं। बेटा लाइट, ये मत सोचना कि तुम दोनों बच गए हो, अब तुम्हारा एनकाउंटर होने वाला है। एल को लगता है तुम दोनों की राह, और तुम दोनों के मरने के बाद किलिंग्स रुक जाएंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल खुद मर जाएगा। और ये सब मैं अकेला देख नहीं सकता, तो तुम्हें मारने के बाद मैं भी मर जाऊंगा। आई एम सॉरी लाइट। गन लोड और मिस्टर यागामी ने ट्रिगर दबा दिया।
नहीं नहीं अरे ये तो ब्लैंक शॉट था। ओ भाई तो ये सब एल का प्लान था। अगर इन दोनों में से कोई भी कीरा होता तो अब तक मिस्टर यागामी को भी मार दिया होता, क्योंकि मीसा लाइट को मरते हुए देख नहीं सकती। पर अभी भी एल का शक दूर नहीं हुआ लाइट से, क्योंकि इस बात का तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि लाइट को कोई और कंट्रोल कर रहा था। पर बाकी लोग को ये बात कौन समझाया? तो अब एल लाइट के साथ हैंडकफ्स लगा लेता है और मीसा अमाने के पीछे लगा देता है मात्सुदा को उसका मैनेजर बना के, ताकि वो सेकंड कीरा के बारे में और पता कर सके। तो अब इन्हें अपना बेस चेंज करना होगा। तो एल ने ऑलरेडी एक बेस सेटअप कर लिया है जो ये 23 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें हर फ्लोर पे एक अलग डिपार्टमेंट है। क्योंकि एल जानता था ये केस कोई छोटा मोटा केस नहीं है, तो उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। एल कितना अमीर है यार, यहाँ रियलायंस नाम की कंपनी में कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं। मोटा भाई इस हफ्ते कीरा से किसको मरवाएं? उपा जी मुझे तो लगता है कीरा हम में से कोई एक ही है, पर क्या फर्क पड़ता है, जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वही लेना पड़ेगा। इंसान कितने घिनौने होते हैं। तो अब ये शिफ्ट हो गए एल के हेडक्वार्टर्स में, पर एल ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि लाइट पे उसका शक गलत जो साबित हुआ यार, और उसे लगता है कि कीरा की पावर्स एक आदमी से दूसरी आदमी में शिफ्ट होती हैं। हम कितनों को पकड़ेंगे? तो लाइट एल को इस हालत में देख के कहता है, तुम चिंता मत करो एल, असली कीरा को हम दोनों मिलके पकड़ेंगे, पिंकी प्रॉमिस। तो 2 महीने बाद लाइट अपने स्किल से पता लगा लेता है कि एक कंपनी है री अलायंस, जिसके स्टॉक्स काफी जल्दी बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कंपनी के सीईओस की मौत हो रही है, वो भी हार्ट अटैक से। लाइट कितना स्मार्ट है यार, और यहाँ री अलायंस ग्रुप की मीटिंग चल रही है कि अब और किसको मरवाना है कीरा से। पर तभी आती है एक शॉकिंग न्यूज कि कीरा ने धमकी दी है, अगर पुलिस ने कीरा का पीछा नहीं छोड़ा तो कीरा पॉलिटिशियंस को मारेगा। तो भाई बात अब पॉलिटिशियंस की है तो कोई कुछ नहीं करेगा, टास्क फोर्स बंद करो। तो पुलिस ने अपने हाथ हटा लिए इस केस से, और जिसको भी इस केस पे काम करना है उसे पुलिस से रिजाइन करना होगा। तो अब चीफ यागामी और मात्सुदा जॉब छोड़ देते हैं पुलिस की, पर आइजावा पुलिस की जॉब नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसको अपनी फैमिली भी संभालनी है यार, तो वो चला जाता है। तो अब ये पता करना है कि री अलायंस ग्रुप में कीरा कौन है। तो टास्क फोर्स ऑफिसर मात्सुदा, जो मीसा का मैनेजर है, उसे लगता है वो अभी तक टीम के कुछ काम नहीं आया, तो वो सच का पता करने के लिए घुस जाता है री अलायंस के हेडक्वार्टर्स में। अब उसकी फटकी 4 हो चुकी है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, लेफ्ट या राइट। अब राइट इज ऑलवेज राइट, तो वो निकल जाता है इन्वेस्टिगेट करने और पहुंच जाता है मीटिंग रूम के बाहर और कान लगा के बातें सुनता है। मोटा भाई जलेबी की तरह बातें मत घुमाओ, बस ये बताओ अब कीरा से किसको मरवाना है। कि तभी मात्सुदा से लगा डोर पे धक्का और वो सबके सामने आके गिरा और कर दिया सबको हक्का बक्का। हेलो सर, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई मीन आई एम द मैनेजर ऑफ मिस मीसा अमाने, और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी डील आया हूँ। मिस मीसा अमाने री अलायंस ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती है, बस यही बोलना था। तो अब ये सब कंफ्यूज है कि खान ने कुछ सुना तो नहीं, तो ये मीसा से मिलने की डिमांड करते हैं। तो मात्सुदा मीसा को कॉल करके बुला लेता है, पर तब भी इनका शक दूर नहीं हुआ। तो मीसा इन सबको हाउस वार्मिंग पार्टी में ले जाती है और घर पे है सबके लिए एक सरप्राइज। Is it just me or is this getting weird? अब कुछ ड्रिंक्स के बाद मात्सुदा हाई होके वॉशरूम में जाता है और मीसा का फोन उठा के एल को कॉल करता है। एल प्लीज मेरी फटकी 16 हो गई है तो हेल्प। तो एल कहता है, मात्सुदा यू इडियट, कांट हेल्प यू ब्रो, अब तुम्हें मरना होगा। अरे पागल हो गया तुमको। तो मात्सुदा लड़खड़ाते हुए नशे में बाहर निकलता है और बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है। ये तो एक हाथ पे खड़ा हो गया, अबे गिर जाएगा भाई, नीचे उतर, सही में गिर जाएगा भाई। और मात्सुदा गिर गया, व्हाट द फक, ओ शिट। नीचे तो मिस्टर यागामी ने मात्सुदा को बचा लिया, पर लाश के गिरने की धमक से आवाज आई, ये तो नकली लाश है। तो अब ये इसे उठा के ले जाते हैं, क्या बात है भाई। तो मीसा सबको वहाँ से निकाल देती है ताकि री अलायंस ग्रुप वाले इस झमेले में ना फंसे। तो अगले दिन री अलायंस ग्रुप मीसा को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कीरा को कैसे जानती हो? पर मीसा तो कीरा को जानती ही नहीं, तो वो मना कर देती है। पर रेम मीसा से दूर नहीं रह सकती, तो वो उसे डेथ नोट का पेज टच करके मीसा के सामने आ जाती है। पर रेम को देख के मीसा की फटके 4, आखिर क्यों ना हो यार, इतनी भयानक है ये। पर रेम इसे समझाती है और कहती है, जैसा लाइट कहे वैसा ही करो, ये सब उसका प्लान है, अब चुपचाप वापस जाओ और मुझे देखते रहना, मैं जिस आदमी के पीछे खड़ी हो जाऊंगी वही रियलाइज ग्रुप का कीरा है। तो मीसा लाइट से बहुत प्यार करती है, इसलिए रेम पे यकीन कर लेती है। ओ तेरी, ये तो हिगुची है, री अलायंस ग्रुप का सीईओ। यहाँ अब एल री अलायंस ग्रुप में कैमरा और वायर टेप्स लगवा देता है ताकि पता चले इनमें से कीरा कौन है। तो इन्हें पता लगता है री अलायंस ग्रुप में 8 लोग हैं, पर सामने तो 7 है, इसका मतलब इन्होंने अपने ग्रुप के एक आदमी को मार दिया। कितने घिनौने लोग हैं यार।
पैसा इंसान से क्या क्या करवाता है। तो अब ये बातें कर रहे हैं नेक्स्ट किसको मारना है। तो मैट्रिक्स का मॉर्फियस बोलता है, हम इस बार 2-3 कंपनीज के बड़े बड़े एम्प्लॉयज को मार देंगे, एक को हार्ट अटैक से, एक को बीमारी से और एक को हाई बीपी से। ये देख के लाइट को गुस्सा आता है और वो एल बन के कॉल करता है मोटा भाई को और कहता है, मोटा भाई आई नो कि तुम कौन हो क्योंकि मैं एल हूँ। रिएक्ट मत करना वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि कीरा चाहता है कि मैं इस केस से हट जाऊं, इसीलिए तो उसने पॉलिटिशियंस को धमकी दी। अब ध्यान से सुनो, तुमने अगर ये किलिंग्स डिले करवा दी तो मैं समझ जाऊंगा तुम मेरे साथ हो और मैं कीरा को डेफिनेटली पकड़ लूंगा। तो हेल्प मी सो आई कैन हेल्प यू। तो इसकी फट जाती है क्योंकि मरना कौन चाहता है यार। तो ये मौत का टाइम डिले करवा देता है और यहाँ एल लाइट को बोलता है, तेरे कच्चे में बम है पर तेरी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। अगर मैं किसी दिन मर जाऊँ तो एल बन के ऐसे ही केस सॉल्व करना, एटलीस्ट मैं तो यही चाहता हूँ। तो मीसा सबको जाके बताती है कि उसे रियलायंस ग्रुप के हिगुची पे शक है, क्योंकि आज रियलायंस ग्रुप वालों ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। तो इन्हें हिगुची पे शक तो है पर इन्हें ये नहीं पता कि वो कीरा बनके मारता कैसे है। तो ये पता करने के लिए एल हिगुची की कार, बाथरूम, बेडरूम, हर जगह कैमराज और माइक लगवा देता है और बनाता है एक प्लान कि लाइट एल बनके फिर से मोटा भाई को कॉल करेगा और बोलेगा, आज रात को मैं कीरा को पकड़ने वाला हूँ, बस तुम्हें एक काम करना होगा, हिगुची को कॉल करो और उसे बोलो साकुरा टीवी देखे। ओके बाय। तो मोटा भाई हिगुची को कॉल करके बोलता है कि जल्दी से यूजलेस साकुरा टीवी लगा और देख कोई कीरा की आइडेंटिटी रिवील करने वाला है। तो साकुरा टीवी पे कोई रिवील कर रहा है रियल अलायंस ग्रुप की सीक्रेट मीटिंग्स वाली बातें, लेकिन तभी स्क्रीन गिर जाती है और ये तो मात्सुदा है जो मीसा अमानी का मैनेजर है, लेकिन ये जिंदा कैसे है, ये तो मर गया था ना। तो ये न्यूज चैनल की तरफ निकल जाता है इसे मारने, क्योंकि इसने अपना नाम भी तो गलत बताया था ना। इसका नाम पता करने के लिए रेम से शिनिगामी की आंखों की डील कर लेता है और मात्सुदा को देखते ही उसे मार देगा कि तभी ओवर स्पीडिंग देखकर पुलिस वाला इसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन अब इसके पास है शिनिगामी की आंखें, तो ये बैग में ही डेथ नोट पे इसका नाम लिख देता है और ये पुलिस वाला एक्सीडेंट से मर जाता है। यहाँ एल ये समझ गया कि हिगुची अब सेकंड कीरा बन गया, क्योंकि वो बस चेहरे देखकर लोगों को मार रहा है। तो एल लाइट और वटारी हेलीकॉप्टर में बैठ के हिगुची के पीछे लग जाते हैं। हिगुची फुल स्पीड में साकुरा टीवी की तरफ जा रहा है, पर ये क्या, ओ भाई पूरी पुलिस फोर्स आ गई इसकी हेल्प करने। 6 लेन के रोड पे पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया, पर पुलिस तो पीछे हट गई थी ना कीरा केस से। ओ ये सब आइजावा ने किया है और ऊपर हेलीकॉप्टर में एल ने हिगुची को घेर लिया है, तो ये अब हिगुची को पकड़ लेते हैं। हाश फाइनली ये सब खत्म हुआ। तो ये अब हिगुची को पकड़ लेते हैं एंड ही इज अंडर अरेस्ट। तो हिगुची बताता है कि नोटबुक में नाम लिख के मारता था वो सबको। तो मिस्टर यागामी वो बुक जब्त कर लेते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मिस्टर यागामी की फटके 4, क्योंकि सामने खड़ी है शिनिगामी रेम यार, द गॉड ऑफ डेथ। मिस्टर यागामी जोर से चिल्लाते हैं तो दूसरा ऑफिसर उन्हें संभालने जाता है और वो भी डेथ नोट छू लेता है और उसकी भी फटके 4, क्योंकि मिस्टर यागामी सच कह रहे हैं यार, सामने एक राक्षस है। तो एल डेथ नोट को अपने पास मंगवाता है और हाथ में पकड़ के देखता है, ये तो सच में एक शिनिगामी है, क्या ये सच में असली है? डेथ नोट कहां गई? लाइट रिलैक्स, मैंने भी शिनिगामी को फर्स्ट टाइम देखा है। ओ सॉरी, आई थिंक मेरी भी इतनी फटी थी। पर प्लॉट ट्विस्ट, ये था लाइट यागामी का प्लान और इसकी याददाश्त वापस आ गई और ये इनोसेंट भी प्रूफ हो गया। होली शिट! और अब पता चलता है लाइट ने इस डेथ नोट की ओनरशिप गिव अप करते टाइम रेम से कहा था, ये डेथ नोट किसी ऐसे इंसान को देना जो पैसे के पीछे पागल हो रेम, जिससे लाइट और मीसा से शक हट जाएगा और मीसा की जान बच जाएगी और फिर मैं एल के साथ मिलके तुम्हारे बनाए हुए कीरा को एल से पहले पकड़ लूंगा और जब मैं डेथ नोट टच करूंगा तो मेरी याददाश्त वापिस आ जाएगी, जो कि अभी अभी जस्ट हुआ। मतलब लाइट कितना स्मार्ट है यार, पर एक प्रॉब्लम है, जब तक डेथ नोट हाथ में होगी तब तक ही याददाश्त रुकेगी, क्योंकि लाइट डेथ नोट का ओनर नहीं है ना, तो कुछ आदतें कभी बदलती नहीं। लाइट अपनी वॉच खोलता है और उसमें उसकी डेथ नोट के एक पेज पे अपने खून से हिगुची का नाम लिख देता है और लाइट की लाइफ के सबसे लंबे 40 सेकंड, टिक टॉक टिक टॉक टिक। हिगुची मर गया हार्ट अटैक से। तो अब ये एल के हेडक्वार्टर्स में आ गए और रेम से पूछताछ कर रहे हैं। तो आइजावा रूल्स पढ़ता है, वही वाले जो मैंने पार्ट 1 में पढ़े थे यार, पर लास्ट पेज पे है कुछ न्यू रूल्स जिसमें लिखा है, अगर इस डेथ नोट को चलाया या फाड़ दिया तो जो भी लोग इसके कांटेक्ट में आए हैं वो सब मर जाएंगे और हाँ, डेथ नोट ओनर को किलिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी वरना 13 दिन के अंदर वो भी मर जाएगा। लेकिन मीसा माने और लाइट तो 50
50 दिन तक कैद थे, एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों इनोसेंट है। तो लाइट और मीसा को अब मिल गई क्लीन चिट। बट प्लॉट ट्विस्ट, ये रूल्स लाइट ने लिखवाए थे र्यूक से, ताकि जब डेथ नोट वापस मिले तो मीसा और लाइट को क्लीन चिट मिल जाए। लाइट कितना स्मार्ट है यार। तो अब लाइट मीसा को उसकी डेथ नोट खोद के निकालने के लिए कहता है, ताकि मीसा की भी मेमोरीज वापस आ जाए। और यहाँ डेथ नोट के अंदर एक नोट है जिसमें लिखा है, मीसा तुम्हें मेरी यूनिवर्सिटी वाला दोस्त याद है, वो एल ही है, उसका नाम डेथ नोट में लिख दो और उसे मार दो और फिर हम दोनों मिलके एक नई दुनिया बनाएंगे। पर मीसा उसका नाम भूल गई। कितनी डंब है यार ये। अरे नहीं यार, पर ये तो स्टार है ना, ना जाने कितने लोगों से मिलती होगी ये। तो अब र्यूक भी अर्थ पे वापस आ जाता है। तो मीसा र्यूक के साथ फिर से शिनिगामी की आंखों की डील करती है, ताकि वो एल का असली नाम देख सके। कितना प्यार करती है यार ये लाइट से। पर अब इसकी लाइफ हाफ से क्वार्टर हो गई, क्योंकि दूसरी बार शिनिगामी की आंखें ली है ना इसने। तो अब मीसा लाइट से मिलने जाती है र्यूक के साथ। लॉन्ग सी नो टाइम र्यूक। मस्त प्लान था लाइट। तो अब मीसा क्रिमिनल्स को मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि लाइट एल के हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकल सकता ना, जब तक कीरा ना पकड़ा जाए। और यहाँ टास्क फोर्स में सब परेशान है, कीरा फिर से आ गया, क्योंकि लास्ट कीरा तो हिगुची था जो मर चुका है, और एक डेथ नोट तो इनके पास है, इसका मतलब एक और डेथ नोट है जो करंट कीरा के पास है। तो एल का शक सीधा सीधा मीसा पे है, और ये चीज रैम समझ जाती है। तो अब लाइट रैम को कहता है, मीसा को बचाने का एक ही तरीका है, अगर तुम एल का नाम अपनी डेथ नोट में लिख दो। तो मीसा बच सकती है, लेकिन नाम लिखने से मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने मीसा की जान बचाई। और हम शिनिगामी इस जान लेते हैं, देते नहीं। यहाँ एल तेज बारिश में अकेले खड़ा है। हे एल, अकेले क्यों खड़ा है? मैं कह रहा हूँ, अकेले क्यों खड़ा है? एल, क्या हुआ? अकेले क्यों खड़ा है? पता नहीं लाइट, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी किसी भी बात की कोई सेंस ही नहीं है। मुझे लगता था कि तुम कीरा हो, जबकि तुम नहीं हो। मुझे लगा मीसा कीरा है, वो भी कीरा नहीं है। मैं इतना गलत आज तक नहीं हुआ, जितना गलत कीरा केस ने मुझे बना दिया है। बस मुझे तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना है। हाँ बोलो एल। जब से तुम पैदा हुए हो, क्या आज तक तुमने एक भी सच बोला है? Come on, L. मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सच को घुमा के बताता हूँ, बट इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई झूठ बोलता है कभी ना कभी, और मैंने कुछ गलत नहीं किया कभी। मुझे लगा था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा, तूफान काफी तेज है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गीले हो लाइट। लाओ मैं साफ कर देता हूँ। लाइट, तुमसे एक आखिरी बार कुछ कहना था। आई एम सॉरी, मैं थक चुका हूं। पर अब एल ने इंटरनेशनल काउंसिल से एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को मारने की परमिशन ले ली है, ताकि वो डेथ नोट को चेक कर पाए। अगर 13 दिन बाद वो नहीं मरा तो पूरा शक जाता है मीसा और लाइट पे, और ये केस सॉल्व हो जाएगा। कि तभी हो जाती है पावर ऑफ और वटारी को हार्ट अटैक आ गया। व्हाट द फक। और वटारी मरते मरते सारा डेटा क्लियर कर देता है, क्योंकि एल के इंस्ट्रक्शन से अगर कभी भी वटारी को कुछ हो जाए तो सिस्टम फॉर्मेट कर दे। पर वटारी कैसे मरा? तो एल बोलता है, वो शिनिगामी कहां है? रैम जल्दी ढूंढो उस शिनिगामी। एल को भी हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि रैम ने उसका नाम डेथ नोट में लिख दिया मीसा को बचाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं बिल्कुल। शिट यार, लाइट कितना घटिया है यार। तो लाइट जाके देखता है कि रैम भी मर चुकी है, क्योंकि उसने मीसा की जान बचाई। तो वो उस डेथ नोट को छुपा लेता है और बोलता है, अब मैं इस केस को लीड करूंगा और एल का सपना पूरा करूंगा, कीरा को उसके गुनाहों की सजा दूंगा। लेकिन असली कीरा तो यही है। क्या लाइट इस दुनिया का नया गॉड बन पाएगा? क्या कीरा आगे जाके जस्टिस बन पाएगा? या फिर लाइट बनेगा नया एल? तो ये थी डेथ नोट पार्ट 2। अगर तुम्हें ये पसंद आई तो कमेंट्स में बताओ अपने थॉट्स अब तक की कहानी पे। अब तुम ये सोच रहे हो पार्ट 3 कब आएगा? तो पहली बात, मुझे बहुत पसंद आया कि कैसे तुमने पार्ट 1 पे 50 के लाइक्स करवा दिए, उसके लिए अलीका तुम। लेकिन पार्ट 3 के लिए दो चॉइसेस देता हूं मैं तुम्हें। ऑप्शन 1, इस वीडियो पे 100,000 लाइक्स क्रॉस होते ही डेथ नोट का अगला पार्ट आ जाए। ऑप्शन 2, पार्ट 3 रिलीज होगा जब YPP की फैमिली 3 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएगी। चॉइस तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि ये डेथ नोट है।
मजाक नहीं। तब तक के लिए बाकी की वीडियोस का मजा लो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक पेज पे एंड स्पॉटिफाई पे हमारे गाने भी हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय। वो डेमो क्रिमिनल्स इतने चारों ओर जिंदगी तीन से भरी, फिर